पीछे सारा जमाना। राहुल गांधी मत घबराना। मेरे पीछे सारा जमाना। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड्डू घर पकड़ना। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए और जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हुए हैं कांग्रेस की लगभग जीत तय मानी जा रही है। और अब जैसा कि देख सकते हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के बाहर जश्न का माहौल देखा जा साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्रिकेटर्स और लोग जो है कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। लोग अबीर गुलाल लगाकर पटाखा फोड़ के लोग जश्न मना रहे हैं, आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। बात करते हैं कि क्या कांग्रेस का माहौल किसे किस जीत की आती रहे हैं। ये बताइए सर कि कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप इसको? नहीं, ये तो जीत हमारे आइडियोलॉजी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का समाज बनाने का प्रयास किया है वो देश नहीं चाहता है, और विकास के बारे में 5 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे वो सब फेल हुए हैं। तो देश की जनता के सामने उनके वादे और उनके सांप्रदायिक सोच, इन दोनों के खिलाफ देश की जनता ने एकता को और विकास को और राहुल गांधी के नेतृत्व को वोट दिया है। और ये 2019 की शुरुआत हो चुकी है जिसमें बुरी तरह से विफल होंगे। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी आपस में काटे की टक्कर चल रही थी, क्या आपको लगता है कि कौन से कांग्रेस जीत पाएगी वहाँ पर? देखिए, हम परसेप्शन में तो जीत ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पूरे देश से कांग्रेस मुक्त कर देंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुक्त कर देंगे, तो वो तो हो नहीं सकता है। आज़ादी की पार्टी को आप इस तरह से मुक्त कर देंगे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये अधिनायकवाद के खिलाफ जनता का एक तरह से प्रहार है। जनता ने एक मैंडेट दिया है, एक विश्वास जताया है, तो हम लोग जीत की तरफ बढ़े हैं और वो जीत भी होगी और सरकार भी बनाएंगे। तो ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जीतेगी 5 राज्यों के चुनाव में, कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पूरी तरीके से जीत चुके हैं, और जो चुनाव जो आएंगे फाइनल जो परिणाम आने वाले हैं चुनाव के वो उसमें भी जीत जाएंगे। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नीरज कुमार।